स्वागत है छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में, मैं हूं आपके साथ रूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सूत्रों के हवाले से, यह जानकारी सामने आ रही। नारायणपुर पुलिस नक्सली मुठभेड़ में अपडेट। नक्सली मुठभेड़ में अब तक 36 नक्सली ढेर हुए हैं। गांव नीदूर थुलथुली के जंगल में मुठभेड़ हुई है। पूर्व बस्तर डिवीजन के शीर्ष नक्सली के ढेर होने की भी सूचना छत्तीसगढ़ में। दंतेवाड़ा नारायणपुर जिले के बॉर्डर पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है और पुलिस के साथ मुठभेड़ में अब तक 36 नक्सली के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। वही मुठभेड़ स्थल से अब तक AK-47 राइफल, SLR जैसी ऑटोमेटिक बंदूकें और भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं और इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि मुठभेड़ में बड़े कैडर के इनामी नक्सली भी मारे गए हैं। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ अभी भी जारी है और मारे गए नक्सलियों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। तो सूत्रों के हवाले से यह जानकारी। आज नारायणपुर और दंतेवाड़ा की सीमा में जो अबुझमार क्षेत्र है उसमें हमारे सुरक्षा बलों और माओवादियों में मुठभेड़ हुआ है और जिसमें सचिन में अभी तक 28 बॉडी मिलने की जानकारी है और कई हथियार उसमें मिले हैं, AK-47 वगैरह मिले हैं। और मैं समझता हूँ कि अब तक का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और इस सफलता के लिए मैं अपने जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके मतलब साहस को हम नमन करते हैं और हम पहले से ही माओवादियों से कहते आए हैं कि वो लोग हिंसा का रास्ता को छोड़ के विकास की मुख्यधारा से जुड़े और अब डबल इंजन सरकार के कारण हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और माओवाद अंतिम सांस गिन रहे हैं और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ में शांति स्थापित होने वाली है। वही नक्सलियों से मुठभेड़ में घायल DRG के जवान रामचंद्र यादव से मिलने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा देर रात राजधानी रायपुर के नारायणा अस्पताल पहुंचे। शर्मा ने घायल जवान से उनका हालचाल जाना। उसके बाद डिप्टी CM ने कहा कि मुठभेड़ में 36 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और मैं नक्सलियों से कहना चाहता हूँ कि सभी घर वापस लौट आए। छत्तीसगढ़ की सरकार अच्छी सरेंडर पॉलिसी के साथ सामने आ रही है और मुख्य धारा पर सभी लौटे। बस्तर का जल, जंगल और जमीन बस्तर वासियों का है। उन्होंने कहा कि बस्तर के विकास के मार्ग पर बिछे हुए IT को अब समाप्त कर देना चाहिए। तो सभी नक्सली मुख्यधारा में लौटे, ऐसा DPCM ने कहा है और उन्होंने कहा बस्तर के जल, जमीन, तमाम चीजें जो बस्तर वासियों की है और बस्तर के विकास में ये नक्सली रोड़ा ना बने। सरकार अच्छी पॉलिसी के साथ सभी नक्सलियों को वापस सरेंडर करने का जो है मौका दे रही है और इसके तहत वो कर सकते हैं। तो DPCM शर्मा ने नक्सलियों से ये अपील की है, साथ ही घायल जवानों से मिलने नारायणा अस्पताल पहुंचे। नक्सली को हिदायत भी दी और कहा कि बस्तर के विकास में रोड़ा ना बने। तो बताते चले मुठभेड़ में घायल DRG जवान से मिले DPCM विजय शर्मा और बातचीत की। तो रायपुर से यह खबर, बस्तर के विकास में नक्सली रोड़ा ना बने और अभी तक अगर हम बात करें तो 36 नक्सली के शव बरामद किए गए हैं। वहीं संख्या जो है बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। मुठभेड़ अभी भी जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शुक्ला हमारे सहयोगी रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या अपडेट मिल रही है? जो 36 शव बरामद किए गए हैं उसको लेकर अब DPCM शर्मा ने भी नक्सलियों को हिदायत दी है, साथ ही साथ अपील भी की है कि वापस सही रास्ते पर लौट आए। सरकार अच्छी पॉलिसी के साथ उन्हें यह मौका दे रही है और बस्तर के विकास में रोड़ा ना बने।
जी बिल्कुल जी, बस्तर छत्तीसगढ़ की एक धरोहर है और जहाँ खूबसूरती के मामले में बस्तर की एक अलग पहचान पूरे विश्व में है। ऐसे में बस्तर को, बस्तर का विकास जो है नक्सलियों की वजह से काफी कुछ रुका हुआ है, जिसको लेकर बीजेपी सरकार संकल्पबद्ध है। इसी बात को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पे बराबर आते जाते रहते हैं और उनका टारगेट बन चुका है कि हम छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को पूरी तरह से 2026 में खत्म कर देंगे। तो इसी ऐसा ही मानकर छत्तीसगढ़ सरकार जो है लगातार नक्सलियों को मारने का, नक्सलियों को रास्ता भी दी है छत्तीसगढ़ सरकार, बीजेपी की सरकार ने, कि वो मुख्य धारा से जुड़ जाए, उनका कोई हानि नहीं होगा, उनको जो है उनको अच्छी सुविधा दी जाएगी, उनको जीने के यापन करने के लिए उनको जो है सरकारी नौकरियों में भी उनको सम्मिलित किया जाएगा, तमाम तरह की जो है योजनाएं भी नक्सलियों के लिए निकाली गई है। तो ऐसे में नक्सलियों को अभी जो लगातार नक्सलियों को मार गिराने का काम बीजेपी सरकार कर रही है, ये बड़ी बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म करने को लेकर। इससे क्या नक्सलियों में एक डर सा बनता जा रहा है, 36 नक्सलियों के मारे जाने की जो अभी तक बातें सामने निकल कर आई है और भी बड़े नक्सलियों के मारे जाने की खबर जो है सूत्रों के हवाले से मिल रही है। अभी क्या है जो ही आपको बता दूं, अभी इन लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाई, जो 31 लाते जवानों ने बरामद की है उनकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। और लेकिन मनोज यहाँ एक सवाल और, अगर जिस तरीके से हम देखे पहले भी कहीं अगर रास्ते में कहीं जवानों के जाने की सूचना मिलती थी, नक्सली वहां पर IED वगैरह लगाते हैं ताकि पूरी तरह से अपने हमले की तैयारी में रहते हैं, हालांकि कामयाबी मिलती है या नहीं ये बात की बात है, लेकिन अब जिस तरीके से मुठभेड़ जा रही है, 36 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, क्या इससे उनमें डर कायम होगा या फिर वो फिर से इसको लेकर पलटवार कर सकते हैं? जी बिल्कुल जी, आपको बता दूं कि जब से बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है लगातार नक्सलियों के मार गिराने का काम बीजेपी सरकार करती आ रही। इसके पहले भी कांकेर में जो है 23 नक्सलियों को मारे थे अपने देश के जवानों द्वारा। तो ऐसे में नक्सलियों में कहीं ना कहीं अब अपनी जान की सुरक्षा को लेकर एक डर सा बन गया है। ऐसे में नक्सली कुछ नक्सलियों 500 के लगभग नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है कि एक डर की वजह से, और चाहे इसको सरकार की योजनाओं को लेके आप कह लीजिए, तो कहीं ना कहीं बस्तर के विकास के लिए नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास भी छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार कर रही है, साथ ही साथ उनमें डर भी पैदा कर रही है कि अगर आप लोग मुख्य धारा से नहीं जुड़ोगे तो मारे जाओगे। और साफ तौर पर कहना, देश के जो है गृह मंत्री अमित शाह ने खुद अपने बयान में स्पष्ट रूप से कह दिया था, या तो नक्सली जो है अपनी देश की मुख्य धारा से जुड़े या तो गोली का शिकार होंगे, तो साफ तौर पर उनका कहना था। उसी को टारगेट में लेकर 2026 तक का जो है गृह मंत्री अमित शाह का बयान था, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ की सरकार संकल्पबद्ध है, इसी के तहत ये कार्य हो रहे हैं लगातार नक्सलियों के मार गिराने का काम। मनोज, अगर हम जवानों की बात कर ले, कितने जवान इस दौरान घायल हुए, क्योंकि यहाँ तो जानकारी जो सामने में निकल के आ रही है वहां सीएम साय ने जवानों से बातचीत की है, घायल हालत में देखने पहुंचे भी है अस्पताल में। जी आपको बता दूं कि ये सबसे अच्छी खुशी की खबर है कि अपने जवानों को किसी प्रकार की ज्यादा हानि नहीं हुई है। 3 जवान जो है मामूली चोटिल हुए हैं, जिनको जो है राजधानी के नारायणा हॉस्पिटल में लाया गया है बेहतर उपचार के लिए, जहां पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा देर रात जाकर जवानों से मिले हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने भी उनका हौसला अफजाई करते हुए जो है मुख्यमंत्री ने बधाई भी दिया है जवानों को। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रदेश का मुखिया अगर जवानों को बधाई देता है तो जवानों के हौसले बुलंद होंगे। और आपको बता दूं अभी भी सर्चिंग ऑपरेशन जवानों की तरफ से जारी है, रुक रुक के मुठभेड़ भी लगातार होती हो रही है। जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो जिस तरीके से उन्होंने हिदायत दी है कि सभी वापस मुख्य धारा पर लौट आएं, सही रास्ते पर लौट आएं, हालांकि पहले अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है, और जिस तरीके से अभी जो मुठभेड़ जारी है इतने तादाद में नक्सली मारे गए हैं, आगे किस तरह का खौफ उनके बीच जो है कायम हो सकता है? जी बिल्कुल, जो जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ की सरकार नक्सलियों को लेकर कार्य कर रही है, आपको ये भी बता दूं कि रात में सीएम साय ने बड़ी बैठक नक्सलियों के मारे जाने को लेकर की है, जिसमें डीजीपी समेत प्रदेश के तमाम जो है नक्सलवाद से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी शामिल थे। सीएम आवास पर देर रात तक मीटिंग चली है, उसके बाद सीएम साय द्वारा जो है गृह मंत्री अमित शाह को इसकी जानकारी दी गई है। तो अमित शाह जी के जी मनोज बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो घायल जवानों से मिले और मुठभेड़ में DRG जवान घायल हुए, जिनसे मिलने मुख्यमंत्री पहुंचे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। शिक्षकों का आए दिन शराब पीकर स्कूल में आने की घटना देखने सुनने को मिलती रहती है, उसके बाद भी शासन प्रशासन बच्चों के भविष्य को लेकर गंभीर क्यों नहीं होता। ताजा मामला छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के गृह जनपद जसपुर जिले का बताया जा रहा है, जहां एक टीचर शराब पीकर स्कूल पहुंच गया। सवाल पूछने पर उसने नशे में होने की बात भी कबूल की है और कहा कि स्कूल आने से पहले उसने थोड़ी सी शराब पी ली थी। शराबी टीचर का नशे में स्कूल पहुंचने का वीडियो वायरल है। दरअसल शराबी टीचर विजय टोप्पो बगीचा विकास खंड के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में पदस्थ हैं। वीडियो बनाने वाले युवक ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि 2 लिटल पैड लिए हैं। वहीं बीईओ का कहना है कि विद्यालय में अनुशासनहीनता और इस प्रकार के व्यवहार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले की जांच के बाद जिला शिक्षा अधिकारी को जांच प्रतिवेदन भेजा जाएगा। और वहीं इस घटना ने पूरे गांव में हड़कंप मचा दिया और शिक्षा विभाग पर भी सवाल उठाए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और ऐसे शिक्षकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। और एक बार फिर से मनोज शुक्ला का रुख कर लेते हैं। मनोज, ये क्या है पूरा मामला? आए दिन इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आती है और अब जो है शिक्षक नशे की हालत में पहुंचता है, कबूल भी करता है। जी जी जी, आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ की शिक्षा मंत्री का प्रभार भी विष्णु देसाई सीएम साहब के पास है। ऐसे में शिक्षा विभाग के कारनामे जो है आए दिन देखने को मिल रहे हैं, जिससे बच्चों का भविष्य अंधेरे में दिखता नजर आ रहा है। और बात करें कि राजधानी में लगातार किताबों का जखीरा कबाड़ में मिल रहा है। जो बच्चों को बांटे जाने वाली किताबें सरकारी स्कूलों में दी जाती है तो कबाड़ों में मिल रही है, और वहीं विपक्ष सवाल भी लगातार उठाते जा रहा है। तो ऐसे में और इन सब ये जो हरकतें शिक्षकों की नजर आ रही है देखने में, लगातार आए दिन शिक्षकों को शराब पीकर स्कूल में जाने का मामला सामने आ रहा है। कहीं शौचालय में शिक्षा क्लास लगाई जा रही थी, तमाम बातें छत्तीसगढ़ के में शिक्षा को लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें देखने के लिए मिल रहा है कि ये जो मामला शराब पीकर जो बच्चों के बीच जाने का मामला शिक्षक द्वारा, ये मुख्यमंत्री के गृह जनपद है जो जसपुर जिला है, वहीं से सीएम साहब वहीं से आते हैं। और ऐसे में उनके जिले में, मुख्यमंत्री के जिले में ऐसी घटना सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसे शिक्षक बच्चों के भविष्य बनाते हैं, बच्चों को अनुशासन सिखाएंगे और उनके भविष्य को संवारेंगे? जो ही आप अंदाजा लगा सकती है, जिस प्रकार से शिक्षक शराब के नशे में एकदम बुरी तरह से डूबा हुआ है और वो स्कूल में आकर वो बच्चों को क्या शिक्षा देगा और इसका असर बच्चों छोटे बच्चों पर कितना पड़ेगा, इसका अंदाजा आप खुद स्वयं वीडियो में देख सकती हैं। तो सवाल अपने बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। बलरामपुर जिले की शिक्षा पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। रामचंद्रपुर विकास खंड के पिपर पान माध्यमिक विद्यालय में एक शिक्षक ने विद्यालय भवन में ही अपना बिस्तर लगा लिया और पिछले एक साल से स्कूल के बिल्डिंग पर ही कब्जा कर लिया है। बच्चों को पढ़ाने की जगह स्कूल टाइम में ही शिक्षक और स्वीपर बिस्तर पर सोते नजर आ रहे हैं और बच्चे मनमाने तरीके से जर्जर स्कूल के पास ही खेलते हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षक और स्वीपर का स्कूल में सोने का वीडियो ग्रामीणों ने बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामले में अनजान बन रहे बीईओ अब जांच कर कार्रवाई की बात करते नजर आ रहे हैं। वहीं पूरे मामले में जिला अधिकारी शिक्षा अधिकारी डीएन मिश्रा ने बताया कि जानकारी मिली है, पूरी घटना की जांच की जा रही है और संबंधित शिक्षक के यहां कार्रवाई की जाएगी। और मनोज लगातार हमारे साथ बने। मनोज, एक के बाद एक शिक्षकों के ये कारनामे सामने आ रहे हैं, कितनी बड़ी लापरवाही शिक्षा विभाग की। जी जी बिल्कुल जी, आपको बताया जी कि शिक्षा विभाग को लेकर छत्तीसगढ़ में लगातार शिक्षकों के कारनामे सामने आ रहे हैं। वहीं शिक्षा विभाग की जो कालगुजारियां हैं वो भी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर विपक्ष भी लगातार निशाना साधे हुए है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है पूरी तरह से। और स्वाभाविक सी बात है कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई शिक्षा के मामले में सरकार को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। ऐसा वीडियो सामने आ रहा है, ग्रामीणों द्वारा बनाया गया ये भी वीडियो है और सीएम साहब के गृह जनपद का भी वीडियो वायरल हो रहा है और उसका जो विभाग है शिक्षा विभाग वो खुद सीएम साहब के पास है। ऐसे में शिक्षा विभाग के ऊपर बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया और निश्चित रूप से इसमें शिक्षकों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की अब जरूरत देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।
बढ़ते आगे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की बस को रायपुर की काली माता मंदिर से झंडी दिखाकर रवाना किया। उप मुख्यमंत्री ने नवरात्रि के शुभ मौके पर इस पावन यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं भी दी। काली माता अन्नदान भंडारा समिति द्वारा श्रद्धालुओं को पिछले कई सालों से लगातार नवरात्रि के पावन मौके पर मां बमलेश्वरी धाम की निशुल्क यात्रा कराई जाती है और इस वर्ष भी बसों के जरिए श्रद्धालुओं को मां बमलेश्वरी दर्शन के लिए भेजा जा रहा है और इस मौके पर काली माता अन्नदाता भंडारा समिति के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। रुकते अगली खबर की ओर। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत प्रेमनगर विकास खंड के सभी स्कूलों में स्वयंसेवी शिक्षकों को प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसके बाद स्वयंसेवी शिक्षक उल्लास केंद्र में शिक्षार्थियों को अध्यापन कराए और स्वयंसेवी शिक्षक शिक्षार्थियों की 200 घंटे कक्षा लिया और इसके बाद शिक्षकों का उनका मूल्यांकन परीक्षा भी लिया जाएगा। प्रेमनगर में मास्टर ट्रेनरों के द्वारा प्रत्येक संकुलों में जाकर स्वयंसेवी शिक्षकों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में 10वीं 12वीं पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को स्वयंसेवी शिक्षक के लिए प्राथमिकता दी गई है। एक स्वयंसेवी शिक्षक 10 शिक्षार्थियों को साक्षर करेंगे, जिससे उनके बोर्ड परीक्षा में 10 अंक बोनस मिलेंगे। और छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में पैसे लेते जनपद पंचायत के बाबू का वीडियो वायरल हो रहा है। बाबू द्वारा चेक जारी करने के एवज में पैसे लेने का आरोप। सक्ती जिले के जयजयपुर जनपद पंचायत में पैसे लेते बाबू का वीडियो सामने आया। जनपद पंचायत जयजयपुर में बाबू वेंकटेश्वर वर्मा पदस्थ है। ग्राम पंचायत बर्रा में विधायक निधि से बने सीसी रोड के चेक जारी करने के एवज में पैसे की मांग का आरोप लगा है। सालों से जनपद पंचायत जयजयपुर में पदस्थ होने के चलते बाबुओं का हौसला बुलंद है और घुसखोरी को अंजाम दे रहे हैं। नारायणपुर और दंतेवाड़ा की सीमा में जो अबुझमार क्षेत्र है, उसमें हमारे सुरक्षा बलों और माओवादियों में मुठभेड़ हुआ है और जिसमें सर्चिंग में अभी तक 28 बॉडी मिलने की जानकारी है और कई हथियार उसमें मिले हैं, AK-47 वगैरह मिले हैं। और मैं समझता हूँ कि अब तक का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और इस सफलता के लिए मैं अपने जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके मतलब साहस को हम नमन करते हैं और हम पहले से ही माओवादियों से कहते आए हैं कि वो लोग हिंसा का रास्ता को छोड़ के विकास की मुख्यधारा से जुड़े और अब डबल इंजन। और खबर छत्तीसगढ़ से, जहां रेलवे स्टेशन में ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक युवक का पैर प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गया, जिसके बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस युवक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दी जाएगी। पूरा घटना अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस में हुई है। और छत्तीसगढ़ को शैलभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।